मध्यावधि चुनाव क्यों, इस बात का तो नेहा शिल्पी जवाब देना। मैंने कहा बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि जनता जागरूक हो चुकी है, आरोप ही केवल गठन नहीं गठित नहीं हुआ है, सजा भी हुई है। और ऐसे लोगों के प्रति, अगर ऐसे प्रतिनिधि के प्रति अगर जनता की सहानुभूति हो जा रही है, सरकार के जितने भी आपने ने देखा है जो बैठे हुए हैं, बहुत गंभीर गंभीर आरोप लगे। झारखंड के मांडर विधानसभा में प्रचार प्रसार के बाद आज मतदान की प्रक्रिया हो रही है, ऐसे में बीजेपी कैंडिडेट गंगोत्री कुजूर हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे कि आज मतदान का दिन है, क्या लगता है कि दोनों ओर से यानी भाजपा और कांग्रेस की ओर से रणभूमि में तब्दील ये क्षेत्र, यहाँ की जनता किसे पसंद करेगी और क्या लगता है कि कितना लोग आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये उपचुनाव का जो रीजन है, जो कारण सभी जनता जान चुकी है, जनता जागरूक है, उनको पता है। और देश की परिस्थिति, राज्य की परिस्थिति जो है, इस सरकार के बनने के, वर्तमान सरकार में जो परिस्थितियाँ यहाँ पे झारखंड पे उत्पन्न हुई है, सभी लोग रूबरू हो रहे हैं इस बात। और निश्चित तौर पे ये कहना चाहेंगे कि वो, उनकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी की ओर है और इस विधानसभा उप विधानसभा चुनाव का जो ये होगा, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में अभी प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की जो है कांग्रेस से है, हाथ छाप से है, ऐसे में उनका कई गंभीर आरोप भी है, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या पूर्ववर्ती सरकार भाजपा से, अपने पिता को लेकर के भी वो काफ़ी चिंतित नजर आ रही है, आरोप पर ये चलता आ रहा है। ऐसे में उनका मानना ये भी है कि जनता उनके सपोर्ट में है और उन्हें न्याय भी चाहिए, जैसा कि वो कह रही हैं। मैंने उसी बात पर इंगित किया, मध्यावधि चुनाव क्यों, इस बात का तो नेहा शिल्पी जवाब देना कि मध्यावधि चुनाव क्यों हुआ। अगर वो चाह रही है कि कोई जिस पर आरोप ही केवल गठन नहीं गठित नहीं हुआ है, सजा भी हुई है, और ऐसे लोगों के प्रति अगर ऐसे प्रतिनिधि के प्रति अगर जनता की सहानुभूति हो चाह रही है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि आखिर वो चाहती क्या है। फिलहाल जो भी चीज़ें चल रही है वर्तमान में वो तो ठीक है, आप इस चुनाव को अब कैसे देखती हैं, क्या कुछ होना? बिल्कुल, मैं इस चुनाव को इस दृष्टिकोण से देखती हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित देश हित की बात करती है और वहाँ सबसे पहली बात है कि विकास की धारा द्रुत गति में आगे बढ़े। 2014 से 2019 तक का आप जो भी देखे होंगे, अस्थायी सरकार थी तो माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हुए हैं इससे पहले कभी हुए नहीं, तो जनता इस बात की तुलना जरूर करती है। मैंने कहा बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि जनता जागरूक हो चुकी है, उनका निर्णय किस ओर जाना चाहिए, क्योंकि उनका मत उनका एक अधिकार है, एक ही मत के वो अधिकारी हैं और उस मत को जाया नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका मत उनका एक अधिकार है, एक ही मत के वो अधिकारी हैं और उस मत को जाया नहीं करना चाहते, मत को एक एक मत को देने के बाद बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिले, इनकी वो चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी लोग तो अपने जीत के दावे कर रहे हैं, सभी लोग आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है, लेकिन वर्तमान में मांडर क्षेत्र में क्या कुछ कमी रह गई गठबंधन की सरकार में आपके यहाँ? बहुत सारी कमियाँ हैं, अगर हम गिनाने लगे तो इसके लिए समय कम होगा, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार का आलम है। जो विकास के कार्य होते हैं गांव घर में वो प्रखंड से होता है, लेकिन प्रखंड में आप जाएंगे तो देखेंगे, मैं नहीं कर रही, जनता खुद कर रही है कि वहाँ जाने से तो ऐसे लोगों से गिर जाते हैं जो चेयर तक बैठे हैं, वहाँ के पदाधिकारी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उनके काम नहीं हो पाते। इसके साथ ही साथ सरकार के जितने भी आपने देखा है जो बैठे हुए हैं, बहुत गंभीर गंभीर आरोप लगे हैं। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहती, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ही कमल फूल ही खिलेगा। बिल्कुल, सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने रणनीति है, लेकिन जनता का प्यार, जनता का सहयोग किसे मिलेगा, कौन प्रत्याशी जनता की समस्याओं के लिए छन कर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मांडर विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है, सुबह सवेरे से जो मतदाता है उनकी भीड़ लगातार कतारबद्ध तरीके से देखी जा रही है। अब देखना होगा कौन प्रत्याशी छन कर सामने आते हैं और जनता का प्यार किसे प्राप्त होता है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोहिजुद्दीन, समाचार प्लस मांडर।